Next question. Question says a simple pendulum performs simple harmonic motion about x equal to 0 with an amplitude A and time period T. Sawal is speed of the particle, speed of the pendulum at x equal to A by 2 will be. Again, बहुत simple सवाल है. Basics यहाँ पे अपने को clear है. कुछ equation यहाँ पे अपने को ये बात पता होती है कि velocity at any location हम क्या लिखते हैं omega under root of A square minus x square. हमें बताना है वेलोसिटी एट ए बाय टू एट एक्स इक्वल टू ए बाय टू क्या होएगा. बस ये वैल्यू रख के अपना आंसर आ जाएगा. सो यहाँ पे अगर हमने वैल्यू रखी तो वेलोसिटी आ गई अपनी ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बाय टू का स्क्वायर. ए बाय टू का स्क्वायर करेंगे ये बचेगा आपका ए बाय फोर, अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बाय स्क्वायर ये बचेगा ओमेगा, अंदर बचा थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, यानी कि आपकी वेलोसिटी जो हो गई ये हो गई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री बाय टू ए, ये आपकी वेलोसिटी हो गई. नाउ यहाँ अगर हम चार ऑप्शन देखेंगे तो चार ऑप्शन हमें टाइम पीरियड के टर्म में दिए हुए हैं. एक्स्ट्रा परेशान करने की कोशिश की है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है. अपने को बात पता है कि हम टाइम पीरियड को लिखते हैं टू पाए बाय ओमेगा, यानी कि हम ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाए डिवाइड बाय टी. बस ये वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी. सो वी विल बी इक्वल टू ओमेगा को हमने लिखा टू पाए बाय टी मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री बाय टू ए, टू से टू कैंसिल आ जाएगा तो यानी कि वी की वैल्यू हो गई रूट थ्री पाए ए बाय टी, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू एट दैट लोकेशन हो गई. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर.